लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय कोटा प्रवास पर संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे। ओम बिरला ने शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। बिरला ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां के लोगों के सुख दुख में वे सदैव तत्पर रहते हैं। कोटा बूंदी में उन्नत कृषि होती है। यहाँ पर गेहूं, सरसों, सोयाबीन सहित कई फसलें बहुतायत में होती हैं। आगे इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि हाड़ौती में कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया जाए, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समान अवसर मिले ताकि उनका भी जीवन स्तर बेहतर बने। बस बारिश ने किसानों का बहुत नुकसान किया है। मैं खुद भी इलाके में गया था, मैंने देखा था कि बड़े बड़े ओले करने से फसलें खराब हो चुकी हैं। मैंने उसी समय राज्य सरकार से कहा था कि तुरंत इनकी गिरदावरी करी जाए और आपदा का पैसा मिला जाए, लेकिन भविष्य में हमें एक ऐसी कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि आपदा का पैसा तुरंत मिले, तुरंत सर्वे हो। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हमें कई बार आज भी अनुभव होता है कि प्रशासन द्वारा इसमें लापरवाही बरती जाती है, किसानों की अनदेखी की जाती है, ये उचित नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।